लाइव रिपोर्टिंग के समय अगर कुछ वेयर्ड क्लिप चालू हो जाए या कुछ ऐसा कैमरे में कैच हो जाए जो बहुत ज्यादा या तो फनी हो या बहुत ज्यादा वो डिसगस्टिंग हो, तो कैसा लगेगा? तो दोस्तों, आज इसी तरह की कुछ क्लिप्स वाली वीडियोस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें या तो कुछ फनी मोमेंट कैच हुए हैं या कुछ वेयर्ड मोमेंट कैच हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आपका मेजबान तौकीर हुसैन एक बार फिर से अपने YouTube मंच पर आप सबका स्वागत करता है। दोस्तों, ज्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के एंड में एक बार फिर से तफसीली बातचीत करेंगे। नागिना यूथ हो, दहेज लोगे, दहेज लेकर शादी करोगे या मैम? हम तो फ्री में करेंगे, करिएगा आप। बड़ा हरामी हो, करिएगा आप। टीवी चैनलों पर टेलीकास्ट होने वाली न्यूज कभी कभी ऐसा फनी मोमेंट दिखा देती है जो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। इसलिए नहीं कि वहाँ कुछ अमेजिंग और जबरदस्त होता है, बल्कि वहाँ पर ऐसे फनी मोमेंट क्रिएट होते हैं जो न्यूज चैनल की क्रिएटिव टीम की पोल खोल कर रख देते हैं। एक न्यूज चैनल पर वेदर रिपोर्टिंग के दौरान एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको शर्मिंदा कर दिया। हमारा आज का वीडियो लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ अलर्ट भी करता है। न सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, न सीखा कभी तेरे बिना हमदम। इसलिए हमारा साथ आखिर तक जरूर निभाइएगा। ऑन कैमरा ब्लफ मारने में हमारे नेताजी पीछे नहीं रहते। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वर्तमान सरकार को घेरने के चक्कर में ये भी भूल गए कि वो क्या बोल रहे हैं और उन्हें ये बोलना भी चाहिए कि नहीं। मीडिया से मुखातिब होते हुए कमलनाथ जी का कहना था कि एक मरे हुए आदमी ने उनको बताया कि उसको नकली रेमडेसिविर लगा दिया गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हमारे आपके साथी रामचंद्र अग्रवाल जी दिया और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। हालांकि ऑन कैमरा झूठ बोलने के मामले में हमारे देश के पत्रकार भी पीछे नहीं है, और जब इनका झूठ पकड़ा जाए तो ये उसे इतने जबरदस्त तरीके से डिफेंड करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सामने वाले के पास अब तो कुछ कहने और करने के लिए बचा ही नहीं, सिवाय इन्हें कानून के सिक्कों में घसीटने के सिवाय। देश के बड़े न्यूज चैनल के एंकर दीपक चौरसिया ने पैनलिस्ट शोएब जमई से बात करते हुए तबलीगी जमात को तालिबानी समाज कह दिया। इसके बाद पैनलिस्ट ने जब रिएक्ट किया तो इनका डिफेंस इतना जोरदार था कि इन्हें इस मोमेंट पर बेस्ट न्यूज एंकर का अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। नहीं, आप रिवाइंड, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए रिवाइंड करके आपको दिखा दे आपने तालिबानी जमात कहा है, गलती हो गई होगी। ऐसा नहीं है कि केवल पाकिस्तान और हमारे देश के रिपोर्टर ही फनी मोमेंट क्रिएट करते हैं। मिलवाते हैं आपको रशिया के इस रिपोर्टर से जो पानी की गहराई नापने और अपने दर्शकों को दिखाने के चक्कर में बेचारा खुद ही पानी में चला गया, और इसे देखकर दर्शकों ने जरूर कहा होगा कि यार रिपोर्टर पानी में। टीवी पर लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ये रिपोर्टर अपना मोबाइल साइलेंट करना भूल गया और नतीजा आप खुद देख लीजिए। हाँ, इसकी जेब में रखा हुआ केवल मोबाइल ही नहीं बजा, बल्कि न्यूज चैनल में इसकी इमेज का बाजा बज गया। यहाँ पाकिस्तान के एक न्यूज रिपोर्टर की कारस्तानी को देखिए, ये भाई साहब अपने काम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। तभी तो देखे ना, बाढ़ के पानी की गहराई को दर्शकों के सामने दिखाने के लिए खुद ही पानी में उतर गए और गले तक पानी में डूब कर रिपोर्टिंग। मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल अगर खड़ी फसलें भी दरियाबर्द हो चुकी हैं, और ये जो दरियाई पानी है आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। आपकी इस रिपोर्टिंग को आप ही के देश के चांद मियां का सलाम। आइए बात कर लेते हैं एक और पाकिस्तानी न्यूज एंकर की, जो कि फार्मूला वन रेसर की इंटरव्यू ले रही थी। मगर मैडम को फार्मूला वन रेस क्या होती है इसकी ABCD भी नहीं मालूम थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से एंकरिंग की उसमें इनका कॉन्फिडेंस तो इनाम देने लायक है। जिन बच्चों से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, यहाँ पहले मैं इनको इनके इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। मेरे पास बैठे हैं जहाँ मेरे साथ अब्दुल अलीम जो टीम कैप्टन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शारिक वकार जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग है, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? उस गाड़ी में कितने लोग आ सकते हैं? गाड़ी में एक आ सकता है क्योंकि फॉर्मूला स्टाइल का है। एक आ सकता? बिल्कुल। अच्छा, अभी अभी जो शुरुआत की है वो आपने एक से की? क्या क्या बोला तूने? एक। अच्छा, अभी अभी जो शुरुआत की है वो आपने एक से की? छोटी गाड़ी। मैम डोंट नो के डबल सवारी लगी है। बेसिकली मैम ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है रेसिंग कार है, तो उसमें एक ही बंदा होता है। अभी फॉर्मूला बनाया आप लोग? अभी फॉर्मूला बनाया आप लोग? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अभी एक्सपेरिमेंट किया है या गाड़ी? नो, इट्स द फॉर्मूला कार। फॉर्मूला कार होती है, उसमें एक ही बंदा होता है। हाँ, तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं उसमें बैठ कर? आप बैठे हैं कभी? वैसे ही तेज चलती है जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी चलती है, और हॉर्न भी बजाने के लिए उसमें कुछ करता है जरूरी है ना? ऑन द पाकिस्तान। वैसे आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं हमें जरूर बताए। न्यूज चैनल के जो कर्मचारी फील्ड पर उतर कर लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें भी हमेशा सावधान रहने की जरूरत है, वरना उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है जो इस लड़की के साथ हुआ। जब ये अपना माइक लेकर कैमरे के सामने रिपोर्टिंग कर रही थी, हाँ, एक कुत्ता लाइव प्रसारण के बीच में रिपोर्टर का माइक ले भागा। उसके बाद सीन आप खुद देख लो। जरा संभल कर बैठिए, क्योंकि फनी मोमेंट के साथ साथ यहाँ मोमेंट कुछ शर्मनाक भी हो गया। वॉशिंगटन में बैठी न्यूज एंकर अपने दर्शकों के लिए वेदर रिपोर्टिंग कर रही थी, और अपनी इसी रिपोर्टिंग के दौरान पीछे से वेदर से रिलेटेड क्लिप प्ले होनी थी, लेकिन फिर आगे क्या हो गया ये आप भी देखिए और समझिए। मतलब यानी कि ऐसी गलती कैसे कर सकता कोई? वेदर क्लिप प्ले होने के बजाय मियां खलीफा की क्लिप चलने लगे। अगर आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमने ये गलती नहीं की। पाकिस्तान कितनी भी तरक्की कर ले, पर बात जब वहाँ के लोगों की सोच की होती है तो वो भी घुटने के ऊपर नहीं आ सकती। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप जरा इस क्लिप में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। टीवी चैनल पर एंकरिंग कर रही इस खूबसूरत लड़की को उसके पिता की उम्र का ये व्यक्ति उसे मुंबई, ढाका और पाकिस्तान के केले के साइज में डिफरेंस समझा रहा है, और साथ ही ये सजेशन भी दे रहा है कि कैसे पाकिस्तान के केलों का साइज बड़ा किया जा सकता है। लेकिन लगता है केले का नाम सुनकर एंकरिंग कर रही मैडम के मुंह में पानी आ रहा है। जरा इनका रिएक्शन तो देखिए। कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अच्छा। अगर ये हम रिसर्च करके हमारे सिंध में ये वाला केला, सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है, आप देखें जरा, तो ये उस जमीन को सही तरह से इस्तेमाल करें। पाकिस्तान के न्यूज रिपोर्टर अपने काम को लेकर कितने सीरियस हैं, आप इस क्लिप को देखकर अच्छे से समझ जाएंगे। और इनके सामने से आती हुई गाय को देखकर वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि वो गाय इनको इनके कैमरे समेत ठोक देगी, मगर फिर भी उसका फुटेज लेने में एक कदम पीछे नहीं हटाया। कमाल है। अबे गाय आ रही है भागती हुई। घुस जाए आगे। ये न्यूज एंकर अपने व्यूवर्स को एक नई स्लाइड का डेमो देने जा रही थी, और कैमरा इनको फॉलो कर रहा था। इसके बाद इन्होंने जो किया उसे सुनने वालों के कान में दर्द हो गया, पर्दे फट गए। जानना चाहेंगे आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया, तो आइए आप भी सुन लो। जो इन्होंने किया उसे कैमरा लाइव रिकॉर्ड नहीं करता है। पत्रकारिता का क्षेत्र ऐसा है जहां आपको किसी के फट्टे में टांग अड़ाना है, लेकिन वो भी सीधे सीधे उसकी आंखों के सामने, तब तो आपको उसका रिएक्शन भी झेलना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अव्वल दर्जे का बेशर्म बनना पड़ेगा। पुलिस ने ड्रग पेडलिंग के आरोप में जिसे गिरफ्तार किया, ये रिपोर्टर महोदय उसके पिता से रिएक्शन लेने पहुंच गए। उनके पिता का जो रिएक्शन था वो आप भी देखिए। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, इज्जत से समझ जाना, प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट, गेट आउट। आप इस पेशे की मजबूरी कहेंगे या फिर खबर को सनसनीखेज बनाने की कोशिश, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। ये खूबसूरत सी एंकर मास्क पहनकर रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी उसके पीछे एक साइकिलिस्ट बॉय साइकिल पर स्टंट करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी साइकिल फिसल गई और इसके साथ ही उसकी इमेज का फालूदा निकल गया, और वो भी लाइव रिपोर्टिंग में सबके सामने। सोचिए अगर इसकी गर्लफ्रेंड ने ये सीन देखा होगा तो अब इसके साथ आगे का सीन क्या होगा। आपको पता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने स्टेट में 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया था। ये हम नहीं कह रहे, आज तक की न्यूज एंकर का ऐसा कहना। बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ये 40 अप्रैल तक, ये बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल की तरफ से। आज तक की पूरी टीम को इस तरह की रिपोर्टिंग के लिए सादर धन्यवाद।
हमें यकीन है इस वीडियो ने आपको मुस्कुराने के साथ हंसाया भी होगा। वैसे इस वीडियो पर आपको अगर कुछ कहना है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने व्यू शेयर कर सकते हैं, परंतु ये बात जरूर बताना इनमें से सबसे बेहतरीन क्लिप आपको कौन सी लगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग ने वीडियो पूरी देख ली होगी और वीडियो आपको बहुत ज्यादा मजेदार लगी होगी, आपको बहुत ज्यादा गुदगुदाया भी होगा और कहीं कहीं आपको एम्बेरेसिंग भी फील कराया होगा, क्योंकि कुछ क्लिप्स इसमें ऐसी थी जिसमें कुछ ऐसी चीजें प्ले हो गई जो लाइव टीवी पे नहीं होनी चाहिए थी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना अपनों का अपने समाज का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।